आज मैं आपको बताऊंगा ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट यह एक लंग्स का टॉपिक है। कितने सेगमेंट होते हैं इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। देखते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, लंग्स के सेगमेंट कितने होते हैं। तो ये सबसे पहले बताते हैं राइट लंग्स। राइट लंग RQL2। RQ का मतलब होता है राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, तीन LOV लोब होते हैं। कौन कौन से तीन लोब होते हैं? अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। इसका वेट 625 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग्स का वेट 620 ग्राम होता है। इसमें दो लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, है ना। तो अब हम बात करते हैं अपर लोब, राइट लंग्स के अपर लोब के बारे में। राइट लंग्स के अपर लोब में तीन सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट की मार्किंग कैसे करते हैं सब दोबारा बताता हूँ। एक दो तीन, ऐसे मार्किंग कर ली। तीन के बाद चार, उसके बाद जस्ट पांच, छह, सात नहीं करेंगे, क्योंकि सात तो उस साइड साइड हम एंटीरियर देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड में हम सेवन नंबर देखने को मिलेगा। तो सात पोस्टीरियर देखने को मिलेगा, तो सात हटा के 8, 9, 10 इस प्रकार से हम इसकी मार्किंग करेंगे। पहले यही वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अपर लोब के कितने सेगमेंट होते हैं। अपर लोब के सेगमेंट होते हैं एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। एपिकल सबसे ऊपर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कौन सा होगा? ये वाला पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर बाहर की साइड, ये वाला बाहर की साइड होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लेटरल। लेटरल में मीडियल, मीडियल में दो होते हैं, लेटरल और मीडियल। लेटरल बाहर की साइड, मीडियल अंदर की साइड, है ना। और इसके बाद हम देते हैं लोअर। लोअर लोब में क्या होता है? लोअर लोब में चार सेगमेंट होते हैं। लोअर लोब में चार सेगमेंट होते हैं, सुपीरियर, मीडियल, वेसल, लेटरल वेसल, सुपीरियर वेसल। सुपीरियर एक दो तीन चार, सुपीरियर ये वाला हो गया सुपीरियर। मीडियल वेसल मतलब बीच में है और वेसल तले पर है, नीचे की साइड है, वेसल माने तले, नीचे की साइड, तो ये हो गया मीडियल वेसल। और इसके बाद लेटरल वेसल, लेटरल साइड ये वाला, लेटरल वेसल, सुपीरियर वेसल, सुपीरियर वेसल ये हो गया सबसे अपेक्स पर सुपीरियर वेसल, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट लेफ्ट लंग के बारे में। लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं, बता चुका हूँ, अपर लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब में कितने सेगमेंट होते हैं? अपर लोब में पांच सेगमेंट होते हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच। सबसे पहले होता है एपिकल, ये गया आपका एपिकल। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर आपका गया उस साइड होगा, तो पोस्टीरियर होगा ये लेटर लेदर है, मिडिल है, ये हो पोस्टीरियर। उसके बाद होगा एंटीरियर, एंटीरियर ये गया एंटीरियर। और इसके बाद होगा सुपीरियर लिंगुअल, सुपीरियर लिंगुअल मतलब सुपीरियर ऊपर की साइड। लिंगुअल माने जीव शेप, लिंगुअल मतलब होता है टंग, टंग शेप का ये वाला आकार, पूरे टंग शेप का बना है ऐसा, तो सुपीरियर लिंगुअल ये वाला हो गया। और इंफीरियर लिंगुअल ये वाला, इंफीरियर नीचे की साइड, इंफीरियर लिंगुअल हो गया। अब बात करते हैं लोअर लोब। लोअर लोब में सुपीरियर वेसल, मीडियल वेसल, लेटरल वेसल, पोस्टीरियर वेसल। सुपीरियर वेसल, मीडियल वेसल, मीडियल साइड है, लेटरल वेसल, पोस्टीरियर वेसल, ये हमारे सेगमेंट होगा। टोटल सेगमेंट कितने हुए? पांच इसके, एक दो तीन चार पांच, टोटल सेगमेंट हुए पांच इसके, और एक दो तीन चार, चार इसके, तीन ये, दो ये, चार ये। टोटल सेगमेंट का अगर कोई पूछ रहा, बहुत लंबा टोटल सेगमेंट। और व्यू, एंटीरियर व्यू में, एंटीरियर व्यू में तो कितना होगा? 3 + 2 + 4 + 5 + 4 तो बराबर कितना हो गया? 5 5 10 और 4 9 9 4 13, 13 सेगमेंट हो गया एंटीरियर व्यू में। यदि एक मैं साफ साफ आपको पहले बता दूं, आपके जैसे लंग्स में कोई होती है, लंग्स में अधिकतर बीमारी होती है एब्सेस। एब्सेस मतलब लंग्स में पस का भर जाना, होते हैं एब्सेस।
यदि एब्सेस पहले नॉर्मल एब्सेस है, कम एब्सेस है, तो हम उसे मेडिसिन से उसको पस को सुखा देते हैं। यदि बाई द वे मेडिसिन से नहीं सूख रही है एब्सेस, सीवियर एब्सेस है, तो एब्सेस होती जाती तो ग्रोथ बन जाती है, आगे चल के सीए के भी चांस रहते हैं, कैंसर भी हो सकता है एब्सेस में लॉन्गर समय की होगी। तो यदि आपने ट्रीटमेंट सही ले लिया है और पस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या होगा, यदि आपके इस सेगमेंट में पस भरा हुआ है, फ्लूड भरा हुआ है इस सेगमेंट में, फ्लूड पस एक्स वाई जेड कोई भी डिजीज है इसमें, तो इसको हम इसी सेगमेंट को हम रिमूव कर देंगे बाई सर्जरी के द्वारा, हम इस सेगमेंट को रिमूव कर देंगे और ये सेगमेंट इन सेगमेंट के आधार से आपका लंग संगता रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा। यह होता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े रहें, इंस्टाग्राम का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। धन्यवाद।